बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट करें। लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट सिक्स वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट सिक्स वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के 3 नंबर पे है। पार्ट फाइव में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख चुके थे इसमें का। चलिए तो इसमें क्या करना है, तो रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। देखते हैं, पहले हम समीकरण बनाएंगे, उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा फिर हल करेंगे। करा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना होगा। तो चलिए यहां लिखेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर एक्स रुपए। ठीक है, एक्स रुपए मान लेंगे। एक बल्ले का मूल्य क्या है, एक्स रुपए है। अच्छा, फिर लिखेंगे एक गेंद का मूल्य बराबर वाई रुपए। ठीक है, प्रश्न से कितने बल्ले हैं, 7 बल्ले हैं, तो कितना रुपया हो जाएगा, 7x। अच्छा, एक गेंद का मूल्य वाई रुपए है, तो 6 गेंद का कितना जाएगा, 6y। और दोनों को मिलाकर कुल कितना रुपए में खरीदता है, 3800 रुपए में। तो एक समीकरण ये हो गया। फिर कह रहा 3 बल्ले, तो 3 बल्ले यानी 3x और 5 गेंद यानी कि 5y और कुल मिलाकर कितना में, 1750 रुपए में। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे, समीकरण तो आ गया ना, अब इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाना होगा। समीकरण एक में है 7x + 6y बराबर में 3800, समझ गए। अब यहाँ से एक्स या वाई का मान हम लोग निकालते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से वाई का मान निकालते हैं। 6y बराबर हो जाएगा 3800 माइनस का 7x, यानी कि वाई बराबर यहाँ से हो जाएगा 3800 माइनस में 7x और बट्टा में 6, है ना। अब यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण दो में रखने पर। चलिए, तो समीकरण दो क्या है आपका, यहाँ पे तो समीकरण दो में है आपका 3x + 5y बराबर 1750, यही ना है। तो चलिए यहाँ पे y का मान रखते हैं, तो 3x + 5, y की जगह आ जाएगा 3800 माइनस का 7x और बट्टा में 6। देखिए, तो y जहाँ था वहां पे इसका मान रख दिया ना, और बराबर में है 1750। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस। अच्छा, एक काम करते हैं, ये 5 से ऊपर गुना कर देते हैं सब में, है ना। तो आ जाएगा आपका, गुना करने पे कितना आ जाएगा, 5 से गुना करेंगे 3800 में, तो 19000 आ जाएगा, है ना। और कितना आ जाएगा 7 में गुना करेंगे, तो 5 × 7 = 35x और बट्टा में आपका कितना है, 6 है, है ना। और बराबर में जो है आप वो लिख दीजिए 1750। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम होगा 6 × 6 = 18x हो जाएगा, और प्लस यहाँ 19000 माइनस 35x और बराबर में 1750। चलिए, एक काम करते हैं, ये माइनस का 35 है, प्लस का 18 है, तो घटेगा तो माइनस का 17 हो जाएगा ना, प्लस में 19000 और बट्टा में 6 है और बराबर में है 1750। चलिए, 6 जाके उधर गुणा करेगा ना 1750 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 17x + 19000 और 6 जाके जब उसमें गुणा करिएगा 1750 में, तो आ जाएगा 10500। इसको ले जाकर उधर घटाते हैं, तो माइनस का 17x बराबर हो जाएगा 10500 और माइनस में 19000, समझ गए। अच्छा, माइनस का 17x बराबर हो जाएगा माइनस का 8500 ना। चलिए, माइनस माइनस काट दीजिए, इसको ले जाते हैं भाग में, तो यहां से आ जाएगा x बराबर 8500 और बट्टा में 17 × 17 = 85, 500 आ जाएगा। चलिए, यानी कि x बराबर यहां से मान आ गया 500। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रखना होगा ना, x का मान समीकरण 2 छोटा था उसी में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 आपका ऊपर दिया है, क्या है, तो समीकरण 2 है आपका 3x + 5y = 1750। लिख देते हैं 3x + 5y
बराबर में 1750। चलिए x का मान यहाँ रखेंगे ना, तो 3 × 500 और प्लस में 5y बराबर में 1750, 5 × 3 = 1500 हो जाएगा और प्लस में 5y बराबर 1750। तो 1500 जाके उधर घटेगा ना, तो 1750 और माइनस 1500 यानी यहाँ आ जाएगा 5y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 250 ना, यानी y बराबर हो जाएगा 250 और बट्टा 5, 50 × 25 50 बार में कट जाएगा, यानी कि y का मान 50 आ गया और x का मान 500। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं ना आप कि इसलिए एक इसका निकालना था बल्ले का, एक बल्ले का मूल्य x था ना, तो x का मान तो 500 आ गया, तो 500 रुपया का एक बल्ले का मूल्य, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य 50 रुपया हो गया। चलिए समझ गए यहां से, ये राशि में लिखना होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलिए इसमें का 4 नंबर देखते हैं, 3 का 4 नंबर का, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। मतलब कि एक नियत भाड़ा लगेगा कि अगर आप टैक्सी में बैठ रहे हैं तो उसका कुछ फिक्स किराया है, और उसके बाद कि क्या किया गया है कि कितना किलोमीटर आप जा रहे हैं, कितना दूरी तय कर रहे हैं, उसके हिसाब से भाड़ा देना होगा। मतलब कि एक भाड़ा जो है उसका नियत है कि आप टैक्सी में बैठ गए तो उसको उतना पैसा वो देना है, और उसके बाद जितना किलोमीटर जाएगा उसके हिसाब से वो जोड़ते जाएगा उसमें। तो वही कह रहा, तो यहाँ लिखेंगे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, है ना। तो लिखते हैं कि माना माना टैक्सी का नियत भाड़ा, यानी कि नियत किराया भी लिख सकते हैं, नियत भाड़ा बराबर ₹100 तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा ₹Y। ठीक है, अब यहां लिख देते हैं प्रश्न से। अब जैसे इसको कितना किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए ₹105 है ना, तो 10 किलोमीटर जाना है यानी ₹100 तो आपको देना ही है, और किलोमीटर में 10 गए तो प्लस 10y, यानी कि ये नियत भाड़ा हर एक बार रहेगा, नियत भाड़ा तो आपसे लेगा ही, और 10 किलोमीटर गए इसलिए उसका ₹10y होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर गए उसको ₹y लेना है, तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, और ये तो आपको लगेगा ही, ये फिक्स है, नियत भाड़ा जो है ये फिक्स है, आपको देना है। तो कुल मिलाकर कितना हुआ ये ₹105, पहला समीकरण। उधर आप 15 किलोमीटर है तो ₹100 तो आपको देना ही है, क्योंकि ये नियत भाड़ा है, और 15 किलोमीटर गए तो 15y भी दीजिएगा आप, और टोटल मिला के कितना ले दे रहे हैं ₹155। ये समीकरण 2 है। अच्छा आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहां लिख देते इसी में कि 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा या किराया कितना जाएगा, तो ₹100 तो उसको देगा ही और 25y उसके साथ में रहेगा, समझेगा ना, ये नियत भाड़ा और अतिरिक्त 25 किलोमीटर जा रहा है जो उसका उसमें जुड़ेगा ना। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। समीकरण एक से एक्स प्लस 10y बराबर में 105, यहां से हम एक्स या वाई किसी का भी मान निकाले, तो एक्स का निकालना आसान रहेगा, बटा में नहीं जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 105 और माइनस का 10y आ जाएगा ना। अब यहां लिखेंगे एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो है एक्स प्लस 15y बराबर में 155। चलिए यहाँ x का मान रखते हैं, यहाँ हो जाएगा 105 माइनस 10y और प्लस में 15y बराबर में 155, तो 105 ये घटेगा तो 5y हो जाएगा ना, और बराबर में 155, 105 को उधर ले जाए घटाते हैं तो 5y बराबर 155 माइनस 105, यानी कि यहां से आपका आ जाएगा 5y बराबर में 50, तो y बराबर आ जाएगा कितना जाएगा 50 और बट्टा 5, यानी कि 5 × 50 10 आ गया, y का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में
रखने पर, एक में रखने पर। तो समीकरण एक आपका है x प्लस 10y बराबर में 105, ये ना था आपका समीकरण एक। तब ये आपका हो जाएगा यहां से x प्लस 10 गुना 10y का मान 10 हो गया और बराबर में 105। तो x प्लस 10 यह कितना आ जाएगा 100 बराबर में 105। इसको ले जाकर उधर घटाएंगे ना, तो 105 में से 100 जाएगा आगे यहां से x बराबर 5। तो ये x जो है क्या है, प्रतीक है ना, ये जो आपका नियत किराया था वो होता। तो यहां लिखेंगे टैक्सी का नियत किराया या भाड़ा लिखे थे ना ऊपर, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए, ठीक है। और उसके बाद प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा 10 रुपए, वाई का मान 10 है ना। और उसके बाद किसको 25 किलोमीटर जाना था ना, तो 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा वो क्या हो जाएगा, x प्लस कितना था 25y, यानी हो जाएगा x के मान यह है 5 और 25 और y के जगह पे आ जाएगा 10, यही ना आ जाएगा। तो 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपए इसको 25 किलोमीटर यात्रा के लिए देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखते हैं, ये आंसर पे है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे ना आंसर वाले, सब एक ही तरह से बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं वो देख लीजिए, एक बताएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। यदि किसी भिन्न का अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है वह कितना हो जाता है, 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें, तो जब भी भिन्न निकालने के लिए कहेगा ना, लिखेंगे कि माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। यानी कि यहां से आपका जो भिन्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंश बटा हर ना, यानी x बटा y ना। अब चलते हैं प्रश्न से। देखिए क्या कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए, तो भिन्न ये आए x बटा वाई है ना, तो कह रहा है कि अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें, तो भिन्न हो जाता है आपका 9/11, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा देखा जाएगा। चलिए तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना करना होगा ना, तो 11 और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 और इधर हो जाएगा 9 और ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 2। समझ में आया ना, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, यहां हो जाएगा 11x प्लस 11 × 22 और इधर हो जाएगा 9y और 9 × 18, समझ गए। तो एक्स वाई को एक तरफ करते हैं, यानी हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर में 18 माइनस का 22, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ये हो गया आपका समीकरण एक। आगे बढ़िए, कह रहा कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। चलिए तो अंश और हर एक्स बटा वाई है ना, लिख देते हैं कि अब क्या कर रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। ये ना कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाती है। तो यहां लिख दिया है, अब यहां भी वैसे तिरछा गुणा करेंगे, 6 ब्रैकेट में x प्लस 3 है ना, और यहाँ 5 ब्रैकेट में y प्लस 3। चलिए गुणा करते हैं, 6x प्लस 18 बराबर में 5y और प्लस 15। एक तरफ करते हैं इसको यहां और इसको इधर, 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस 18, यानी कि 6x माइनस में 5y बराबर में आ गया माइनस का 3। ये हो गया समीकरण 2, क्लियर है। अब यहां समीकरण 1 से लिखेंगे यहां समीकरण 1 से, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। चलिए, यानी 11x माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4। तो अब यहां ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 11x बराबर, ये माइनस का 9y इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, 9y और माइनस का 4, ये 11 को भाग में ले जाते हैं, तो यहां से हो जाएगा x बराबर 9y माइनस 4/11। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से निकाल कर 2 में रखा जाता है ना,
चलिए तो यहां से हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, यही ना आपका समीकरण दो। चलिए अब यहां हम लोग रखते हैं समीकरण एक्स दो में एक्स का मान, तो यहाँ एक्स का मान यहाँ रखना है ना। चलिए तो हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 9y माइनस का 4 बटा में 11 माइनस का 5y बराबर माइनस 3। चलिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 6 9 54, ठीक है 54y माइनस 6 4 24 बटा में 11 माइनस का 5y बराबर माइनस 3, यही ना है। चलिए अब यहाँ एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो होगा 11 54y माइनस का 24 और माइनस का कितना 11 55y है ना और बराबर माइनस 3। चलिए यहाँ इसमें घटेगा तो आ जाएगा माइनस का वाई माइनस का 24 और बटा में 11 बराबर में माइनस का 3, ये ना होगा। चलिए अब इसके बाद 11 को उधर गुना कर दीजिए तो माइनस का वाई माइनस का 24 बराबर हो जाएगा माइनस का 33, माइनस का 24 हो जाएगा प्लस का 24 होगा ना। चलिए तो माइनस का 33 और प्लस का 24 तो माइनस वाई बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा है ना, तो माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर यहाँ से आ गया 9, ठीक है। अब यहाँ वाई का मान समीकरण एक या दो में रख सकते हैं, तो लिखते हैं वाई का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर तो समीकरण दो क्या है, तो समीकरण दो यहाँ आपका ऊपर दिया हुआ था 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, 6x माइनस 5y बराबर में माइनस का 3, तो 6x माइनस 5y की जगह 9 और बराबर में माइनस 3। चलिए यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 5 9 45 बराबर माइनस का 3, तो माइनस का 45 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो 6x बराबर हो जाएगा माइनस 3 और प्लस 45, यानी कि 6x बराबर आ जाएगा यहाँ से घटेगा तो कितना 42 ना, यानी x बराबर आ जाएगा 42/6, 6 7 42, x का मान आ गया 7। आपको भिन्न निकालना था ना, तो भिन्न आपका क्या था, भिन्न बराबर लिखे थे आप x बटा वाई, तो x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 9, तो 7/9 भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है उम्र वाला है, उम्र वाला क्वेश्चन एक देख चुके थे हम लोग 3.1 में, उसी तरह का इसका भी समीकरण बनाना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो लिखेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष, ठीक है। उसके बाद जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष मान लेंगे। चलिए अब यहां लिखते हैं प्रश्न से, याद है आपको बताए थे कि एज वाला जो क्वेश्चन होगा ना, तो एक तरफ एक्स लिखिए थोड़ा जगह छोड़ के, फिर बराबर में इधर वाई लिखिए और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद ये दोनों की वर्तमान आयु है, 5 साल बाद दोनों में 5-5 साल बढ़ जाएगा है कि नहीं, तो ये जैकब यानी कि और ये है उसका पुत्र, ठीक है ये बाप है और ये बेटा है, तो क्या कह रहा है, बाप जो है अपने बेटे के कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, यानी कि ये जैकब अपने पुत्र से 3 गुना हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 से गुना करेंगे, बेटे में 3 से गुना करेंगे ताकि ये इक्वेशन बराबर हो जाए, समझ गए, उल्टा किया जाता है ध्यान रखेंगे, x प्लस 5 बराबर में यहाँ हो जाएगा 3y और 5 3 15, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर लेते हैं, तो एक्स माइनस का 3y बराबर में 15 - 5, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 3y बराबर में 10, समीकरण एक, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले, तो अब यहां लिखेंगे कि अब किसके बारे में कह रहा है, 5 साल पहले, तो दोनों में से 5-5 साल घटा देंगे, जैकब की आयु क्योंकि 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल दोनों छोटे होंगे ना, तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो दोनों में से 5 घटा दिए और इसमें 7 से गुना कर देंगे, समझ गए,
दोनों में से 5 घटा देंगे और इसमें 7 से गुना करेंगे बेटे में ताकि ये समीकरण बराबर हो जाए। समझ गए ना? तो समझ गए, पूर्व कहेगा तो घटाएंगे और बाद पश्चात कहेगा या बाद कहेगा तो प्लस करेंगे। चलिए यहां भी गुना करते हैं, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35। चलिए यहां से हो जाएगा x माइनस का 7y, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 35 और प्लस का 5 यानी कि x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समझ गए? चलिए यहां भी प्रतिस्थापन से बनाना है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर में 10, यही ना। चलिए तो यहां से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3y समीकरण, है ना। अब इसको, इस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए तो समीकरण 2 में यहां रखते हैं, तो समीकरण 2 है आपका x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, तो x का मान रखना ना, तो 10 प्लस 3y ये ना x का मान और माइनस में 7y बराबर में माइनस का 30, ठीक है इतना। यानी यहां हो जाएगा 10 माइनस 4y बराबर माइनस का 30, 10 को उधर घटाएंगे ना तो माइनस 4y बराबर माइनस 30 माइनस 10 यानी कि माइनस का 4y बराबर यहां हो जाएगा माइनस का 40, यानी कि यहां से माइनस माइनस काट दीजिए तो y बराबर आ जाएगा 40/4, कट के आ गया 10, y का मान कितना आ गया 10। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देख लीजिए क्या है, समीकरण 1 आपका था x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर में 10, तो देखिए x माइनस 3y की जगह 10 रखिए और बराबर में 10, तो x माइनस 30 बराबर में 10, समझ गए, ये माइनस का 30 उधर जाके प्लस का होगा ना, यानी x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 30 यानी कि x बराबर आ गया 40। तो यहां से आप लिख सकते हैं, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। यहां से ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, अब हम लोग विलोपन विधि पर चलते हैं। चलिए विलोपन विधि को सबसे पहले समझते हैं, इसमें क्या किया जाता है। समीकरण के द्वारा एक समीकरण ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14, है ना, और x माइनस वाई बराबर ले लेते हैं 4, ठीक है। चलिए ये समीकरण 1 है और एक समीकरण 2 है। देखिए विलोपन विधि में आपको करना क्या होता है कि दोनों में दो समीकरण युग्म है ना, इन दोनों समीकरण में या तो दोनों के x के गुणांक या तो y के गुणांक सेम लाने होंगे, ठीक है, x या y के गुणांक सेम लाने होंगे। अगर यह सेम हो गए तब आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले से ही सेम है, देखिए यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 और यहाँ -1 है, ठीक है, तो प्लस माइनस में चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो अब इन दोनों समीकरण को यहां लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, विलोपन विधि सबसे आसान विधि होता है, ठीक है, इसको समझ लेंगे। और इस विधि से जो हम लोग पिछला एक्सरसाइज अभी 3.3 पढ़े ना, वो भी इससे रिपीट करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक बार उसको प्रतिस्थापन से बना चुके हैं, एक बार और विलोपन से भी बनाइएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। देखिए सबसे पहले विलोपन विधि में देखना होता है कि x का गुणांक सेम होना चाहिए या y का गुणांक सेम होना चाहिए, प्लस माइनस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। चलिए तो यहां देख रहे हैं, यहां भी 1 1 है, यहां 1 -1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां दो काम किया जा सकता है, अगर आपको x को काटना है तो यहां साइन बदलेंगे, ठीक है, अगर y को काटना है तो y तो देखिए वो पहले से ही प्लस में, एक माइनस में, तो इसको साइन बदलने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे ऐसे कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में y है, एक माइनस में y है। x x क्या हो जाएगा यहां से,
2x हो जाएगा, और ये 14 और 4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 18/2 कट के आ गया 9, x का मान कितना आ गया 9। अब लिखेंगे x का मान समीकरण एक या दो किसी में भी रख सकते हैं, एक में रखने पर चलिए समीकरण एक में रखते हैं, तो समीकरण एक है आपका x प्लस वाई बराबर 14, x की जगह 9 रख देंगे तो y बराबर यहां से कितना आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 14-9 यानी कि 5, यानी कि x बराबर आ गया 9 और y बराबर आ गया 5। तो ये थोड़ा आसान विधि लगेगा, विलोपन विधि, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अभी, चलिए एक दो और क्वेश्चन इस पे समझ लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अलग तरह का लेते हैं ताकि इसमें आपको गुना करना पड़े। देखिए 2x प्लस 3y बराबर है 5, ठीक है। अब एक और समीकरण है x प्लस y बराबर 2, ये दो समीकरण है, इनको विलोपन विधि से बनाना है, ठीक है। चलिए इसको किस तरह से विलोपन विधि से बनाएंगे इसको समझिए। हम लोग को क्या करना होता है, अभी आपको बताया कि या तो x वाले के गुणांक को सेम करना होगा या y वाले के गुणांक को सेम करना होगा, तो किसी को भी सेम करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप अपने मर्जी से गुना कर सकते हैं। तो देखिए इस समीकरण एक में लिखेंगे एक से गुना करने पर, और समीकरण दो में लिखेंगे तीन से गुना करने पर। तीन से गुना करते हुए इन समीकरण में ये 3y हो जाएगा यहाँ, बाकी जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ y के गुणांक को सेम कर रहे हैं तो सिर्फ y पे ध्यान दीजिए, बाकी वो सेम गुना करेंगे जो आए क्या आए उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है मेन। अगर x का गुणांक सेम कर रहे हैं तो इसमें एक से इसमें दो से गुना करेंगे ताकि यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 2x ही रहेगा, तो ताकि इसको आसानी से आप साइन बदल के काट सके। तो आपको यही ध्यान देना होता है विलोपन विधि में, या तो x के गुणांक सेम होने चाहिए या तो y के। तो हम इस क्वेश्चन में y के गुणांक को सेम करने जा रहे हैं, तो इसमें तीन से गुना कर दिए इसमें एक से, तो लिख देंगे ऊपर चाहे तो लिख सकते हैं चाहे नीचे भी लिख सकते हैं कि समीकरण एक में एक से तथा समीकरण दो में तीन से गुणा करने पर, ठीक है। तो इतना गुणा कर लीजिएगा यहां लिख के, चलिए तो एक से गुणा करिएगा तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा, 2x प्लस 3y बराबर 5 ही रहेगा। अच्छा इसमें तीन से गुना करिएगा तो 3x प्लस 3y बराबर में 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, आसानी से गुना कर लीजिए, सब में करना होगा तो सबके साथ करना होगा, समझ गए। चलिए अब यहां देखिए y और y वाला 3y यहां भी हो गया, 3y यहां भी हो गया। अब यहां ये दोनों प्लस में है इसलिए यहां साइन आपको बदलना होगा। देखिए कैसे बदला जाता है, ये प्लस में है तो यहां माइनस, ये प्लस में है तो यहां माइनस, यहां भी प्लस में है तो यहां माइनस। अब ये कट गया, जैसे डिवाइड में होता था ना उसी तरह यहां भी साइन बदला जाता है। तो देखिए ये हो गया माइनस का 3, साइन बदलने का मतलब यहां जो चिन्ह है उससे मतलब नहीं है, यहां का अब साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 2x है, तो घटेगा तो माइनस का 1x हो जाएगा, और बराबर में देखिए प्लस का 5 है और यहाँ माइनस का 6 है, यहाँ वाला साइन से कोई मतलब नहीं रहता है, इससे मतलब है। तो घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया यानी कि x बराबर आ गया 1, क्लियर है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण, देखिए दो में रखेंगे तो आसान रहेगा, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो है आपका x प्लस वाई बराबर 2, चलिए यहां पर रख देते हैं x का मान 1 प्लस वाई बराबर 2, यानी वाई बराबर आ जाएगा 2-1 यानी कि 1, इसलिए यहां से आपका x बराबर भी 1 हो गया और y बराबर भी 1 हो गया, क्लियर है। तो यहां से आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसमें किया क्या जाता है। आगे हम लोग जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको हम लोग विलोपन विधि से बनाकर देखेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे